बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद महर फातिमा। आज हम बना रहे हैं फ्राई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट तैयार हो जाता है। अगर ऐसी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन तवा फ्राई। उसके लिए हमें चाहिए तवा, तेल गरम हो चुका है। अब हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे हम थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इस तरीके से, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट में कच्चापन मिल जाए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे। ये रेसिपी बड़ी झटपट तैयार हो जाता है, फटाफट क्विक रेसिपी है ये। और खाने में भी थोड़ा डिफरेंट लगता है ये। इस तरीके से हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। किलो हमने चिकन ले लिया है। आपको ऐसे पीसेस में लेना है, इसमें हड्डी वाला गोश्त नहीं है। अब हम चिकन के पीसेस को डालेंगे। और 10 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे। 2 मिनट तक के हमने इसे हाई फ्लेम पे भून लिया है चिकन को। तवे में चिकन हमारा नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने इसे पैन में शिफ्ट कर दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। 1 प्याज हमने मीडियम साइज की ले लिया है, इसे बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे। गैस को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर देना है। इसे हमें पका लेना है, ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब हम अच्छे से इसे स्पैचुला से मिक्स कर देंगे चिकन में सारे मसालों को। साबित जीरा डालेंगे, आप इसके जगह पे जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी हमें मिक्स कर देना है। हल्का सा पानी के छींटे डालेंगे और इसे ढक के पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मीडियम साइज का टमाटर, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, अब हम उसे ऐड करेंगे। तीन हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, अब इसे भी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसे टमाटर को हम सॉफ्ट कर लेंगे।
टेबल स्पून हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें, गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट तक अच्छे से हम पका लेंगे लीड लगा के। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लीड को हटा के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितनी बेहतरीन बनके तैयार है हमारा चिकन तवा, और बहुत ही बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें हरी धनिया ऐड करेंगे, धनिया को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। हमारा चिकन तवा बनके तैयार है यम्मी सा। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।